सोनाली फोगाटाचे कुडीचेर पोस्टमॉर्टम करपाक तिच्या भावान होयकार दिला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान समाधान जावंक ना जाल्यार फुडलो कितें तो निर्णय घेतले अशें सोनालीच्या भावान सांगले. सोनाली फोगाटाच्या कुडीचेर पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकीय हॉस्पिटलांत 3 दोतोरांच्या पंगडाची नेमणूक केल्या. तशेंच पोस्टमॉर्टमाचें व्हिडियो चित्रीकरण जातलें खंय अशी म्हायती मेळ्ळ्या. मंगळारा अणजूणच्या एका हॉटेलांत सोनाली फोगाटाक काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचो दुबाव आसा. पोस्टमार्टम तो हमें करवाना ही है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है यहाँ. हमें हम री पोस्टमार्टम जरूर करवाएंगे. दिल्ली एम्स हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जिस बीजेपी पार्टी में मेरी बहन सोनाली फोगाट इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी और वरिष्ठ नेता भी थी, आदमपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया, लगभग पार्टी के लिए बहुत समर्पित थी. और उस दौरान यहाँ गोवा में बीजेपी सरकार है, तो यहाँ एमएलए और सांसद की जो छोड़िए कोई एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता भी हमारी मदद के लिए नहीं है. उसी रात जिस रात मर्डर हुआ है उससे पहले हमने बताया, फोन पे मेरी माताजी से बात हुई, दो बहनें उनसे बातचीत हो रही, और मेरे जीजाजी से, मेरे जीजाजी साथ में बैठे थे सिस्टर के, तो बातचीत हो रही, तो वो घबराई हुई थी, तो उन्होंने जो पुरानी बातें हैं वो भी हमें बताई भी किस कारण मैं इतने दबाव में हूँ और क्यों डिप्रेशन में हूँ, क्या चीज़ें चल रही हैं. तो उस दौरान बताई, उसके बाद में हमें पता चला, पहले ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं थी. अगर ऐसे पहले हमें कोई इस चीज़ का आभास भी होता तो ये घटनाक्रम नहीं होता. अगर इंसाफ मिले, सब कुछ फेयर हो तो यहाँ, तो लेकिन ऐसा कुछ लगता है नहीं कि यहाँ फेयर होगा. नहीं, आगे हम रिपोस्टमार्टम कराएंगे. पुलिस का सपोर्ट कहाँ है? पुलिस का सपोर्ट होता तो हमारी FIR दर्ज होती. एक छोटा सा केस होता है, लड़ाई झगड़े का केस होता है, उसमें पहले FIR दर्ज की जाती है. लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं है, ये अदर स्टेट है, आपका स्टेट नहीं है, जैसे हम यहाँ रूल, हमारे रूल हैं वैसे फॉलो करने पड़ेंगे. पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में आपकी FIR होगी, उसी बेस पे फिर आपका ओपिनियन देंगे कि क्या है, क्या मैटर है, किस कारण इनकी डेथ हुई है, उस बेस पे FIR दर्ज.